खैर जी, सब लोग यहाँ, आप तो राजस्थान के हैं, हरियाणा का हूँ मैं, राजस्थान और हरियाणा में बड़ा अंतर है। आपके यहाँ बड़े सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ आप जी इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। मैं राजस्थान घूमा हूँ जी, श्री गंगानगर, श्री डूंगरगढ़, शहर के नाम क्या कहें श्री, हरियाणा में तो बाप के नाम क्या कहने लगा मैं, बोले किसका है, बोले देवकी का, श्री शक्ति गुंजाइश ही नहीं है। मुझे एक भिखारी बोला, बोले 10 रुपए दे। अब हरियाणा में दीजे शब्द है ही नहीं। मैंने कहा क्या करेगा, बोले चाय पीऊंगा। मैंने कहा चाय तो 5 रुपए की आती है। बोला तू नहीं पीएगा मेरे साथ। अगले वो कंपनी भी चाहिए भाई। ये बस प्रेम के ऐसे गीत लिखते हैं जी, ये बस हमारे तो हरियाणा में प्रेम भी आश्चर्य से होता है जी। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ, तो पहली रात को जो कमरे में पहुंचा तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला, बोला एक तरफ से रख ले एक सवारी और बैठेगी। तो हमारे यहां तो सब ये हास्य रस्म ही है जी, प्रेम का मामला ऐसा ही है हमारे यहां। हमारे यहां पशु पक्षियों तक में प्रेम ऐसा ही होता है। वो मेरा एक दोस्त है जी, उसने तोती पाली। हाँ, दुनिया तोता पालती, उसने तोती पाली। अच्छा, 3-4 दिन के लिए उसे कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा। मैंने कहा मेरे यहां छोड़ जा, 2 तोते हैं उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में तो अपनी तोती छोड़ दूंगा। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा, एक गीता के श्लोक पढ़ रहा, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। हमारे यहां तो प्रेम की यही स्थिति है जी। यहां अधिकतर डॉक्टर बैठे हैं, यही ठीक ठाक चल सकता है जिनका काम। हमारे हरियाणा में आ जाते इनकी बीमारी समझ में ना आवे, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताता है कि बोले डॉक्टर साहब कार्ड में कुछ धुआं सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। भगवती प्रसाद जी बैठे हैं जी, वो एक जज आ गए हरियाणा में, तो एक का केस चल रहा था, तो उसने कहा अपनी वकालत मैं खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम अपने लिए तो वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लू। तो हमारे यहां तो सब काम वहीं का रहने वाला कर सकता है, और सब संबंध बहुत लाजवाब है। वो एक महिला का तलाक का मुकदमा चल रहा था जज साहब, सच्चा किस्सा है। वो जज ही महिला थी, दिल्ली में है वो जज, हाई कोर्ट की जज है वो भी। अब तो उन्होंने कोशिश की कि दोनों में समझौता हो जाए, तो उसने कहा रामकली तू ये बता कि तू अपने पति के साथ रहना क्यों नहीं चाहती। तो रामकली छूटते ही बोली तू रह के देख ले दिन साथ में। तो हमारे यहां सारे किस्से ये हास्य रसम ही होते हैं जी। अच्छा, हर प्रदेश की अलग खासियत है। अभी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या अंतर होता है, एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। वो एक लखनऊ के आदमी ने हरियाणा के आदमी से कहा, बोले भाई से मैं आपको तकलीफ दे सकता हूं। हरियाणा वाला छूटते ही बोला, बोले दे क्या दे। बस यही अंतर है जी। कारण यह कि इनके यहां कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, हमारे यहां बांस बजाया था। तो जो अंतर बांसुरी और बांस का है वही भाषा का अंतर है। लेकिन देखिए, कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान हरियाणा में ही दिया और हरियाणा वालों ने से सीरियसली लिया। ये ज्ञान वो यूपी में भी दे सकते थे, पर कृष्ण जी जानते थे कि यूपी वाले समझेंगे नहीं।
तो वहां बांसुरी बजा के बहका दिया। अच्छा, द्वापर में जो कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी उसका असर अब तक है, तभी तो वो वहां का आईजी पांड्या राधा बन के नाच रहा है भाई, ये बांसुरी का ही असर है। अच्छा, अब हर प्रदेश की अलग स्थिति है, गुजरात की अलग ही स्थिति है। मैं एक बार एक गुजराती परिवार में खाना खाने पहुंच गया था, मैं ही जानता हूं मेरी क्या स्थिति है। वो छोटी छोटी कटोरियों में तो सब्जी, भाई ने खाऊं सूंघूं, जामन जितना दही, बोला दही लो जी दही। जब तक हमारी हरियाणा में गिलास भर के छाछ नहीं आवा तो कहां की दही भाई। अच्छा, ऐसे उनके फुलके, हल्के फुलके, जब वो पहला फुलका आया मैं सोचा 20-25 खाऊं तब जाके बात बनेगी, लेकिन अगला तो मेरे से भी ऊंची चीज था। पांचवा फुलका देते हो बोला ये तो लेना ही पड़ेगा।